नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं शरत अल्लाह। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली भर में कूड़े के रावण जलाकर भाजपा शासित एमसीडी के खिलाफ प्रतीकात्मक प्रदर्शन करने का ऐलान किया है और ये प्रदर्शन 4 अक्टूबर यानी मंगलवार को दिल्ली के 3,500 से ज्यादा स्थानों पर कूड़ा जलाकर किया जाएगा। आप विधायक एवं एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि भाजपा शासित एमसीडी के कारण पिछले कई सालों से दिल्ली स्वच्छता सर्वेक्षण की लिस्ट में सबसे नीचे आ रही है। भाजपा ने दिल्ली में पहले 3 कूड़े के पहाड़ खड़े कर रहे हैं और अब 16 नए कूड़े के पहाड़ खड़े करने की तैयारी कर रही है। दिल्ली की जनता से अपील है कि दशहरा के अवसर पर दिल्ली भर में कूड़े के रावण जलाकर भाजपा के खिलाफ प्रतीकात्मक प्रदर्शन करना है। दुर्गेश पाठक ने कहा कि एमसीडी चुनाव जल्दी हो जिसे भारी बहुमत से जीतकर आम आदमी पार्टी दिल्ली को साफ करने का जिम्मा उठाएगी। एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आप सबको पता है कि कई सालों से दिल्ली स्वच्छता सर्वेक्षण में फिसड्डी साबित हो रही है और कल नई सर्वेक्षण रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें दिल्ली 45 शहरों में 37वें नंबर पर रही और इससे पहले भी लगभग 15 सालों से दिल्ली का यही हाल है। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली भर में कूड़े के रावण जलाकर भाजपा शासित एमसीडी के खिलाफ प्रतीकात्मक प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। ये प्रदर्शन 4 अक्टूबर यानी आज दिल्ली के 3,500 से ज्यादा स्थानों पर कूड़ा जलाकर किया जाएगा। आप विधायक और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि भाजपा शासित एमसीडी के कारण पिछले कई सालों से दिल्ली स्वच्छता सर्वेक्षण की लिस्ट में सबसे नीचे आ रही है और भाजपा ने दिल्ली में पहले 3 कूड़े के पहाड़ खड़े किए हैं और अब 16 नए कूड़े के पहाड़ खड़े करने की तैयारी कर रही है। दिल्ली की जनता से अपील है कि दशहरा के अवसर पर दिल्ली भर में कूड़े के रावण को जलाकर भाजपा के खिलाफ प्रतीकात्मक प्रदर्शन करना है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात कर ले आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने कहा है कि कूड़े के रावण को जलाते हुए बीजेपी शासित एमसीडी के खिलाफ प्रदर्शन करने की आज उन्होंने बात की है, एक बार इस लेकर पूरी जानकारी। 1.5 लगे हुए हैं और इसी को लेकर अब राजनीति भी बढ़ती नजर आ रही है और जिस तरीके से कल दुर्गेश पाठक ने प्रेस वार्ता के माध्यम से ये बिल्कुल कहा कि दिल्ली के अंदर जितने भी कूड़े के ढेर बन चुके हैं उन सब को रावण के तौर पर जलाया जाए, यानी कि जनता से अपील की जा रही है कि दिल्ली के अंदर जितने भी कूड़े के ढेर बने हुए हैं और उनको कहीं ना कहीं रावण के तौर पर जलाया जाए और ताकि एमसीडी के अंदर जो भाजपा की सरकार अभी तक उसके खिलाफ कहीं ना कहीं आवाज उठाई जाए। मगर यहां पर बात करें दिल्ली के अंदर लगभग 3,500 के करीब कूड़े के स्थान बने हुए हैं जो छोटे और बड़े हैं, मगर यहां पर जिस तरीके से आप रावण के तौर पर कूड़े के ढेर के अंदर रावण बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं एक राजनीति जरूर की जा रही है और कहीं ना कहीं जनता को भाजपा के कह सकते हैं भाजपा के जो कार्य है उसके खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं चेतावनी दी जा रही है कि जनता कहीं ना कहीं परेशान है और जनता कहीं ना कहीं कूड़े के ढेर से निजात पाना चाहती है और इसी को लेकर चुनाव के लिए यानी निगम चुनाव के लिए अपील की जा रही है कि जल्दी से जल्दी चुनाव करवाए जाए ताकि दिल्ली के अंदर जो भरता हुआ कूड़ा है या फिर कहें कूड़े के ढेर है या फिर कहें पहाड़ है उनको खत्म किया जा सके। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आरोग्य भारती का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन इस बार उत्तर प्रदेश में होगा और 8 अक्टूबर से राजधानी लखनऊ के सीटी मॉन्टेसरी स्कूल का इसका आगाज होगा और अधिवेशन में देश के विभिन्न प्रांतों के करीब 700 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आरोग्य भारती अवध प्रांत के प्रांतीय सचिव डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने बताया कि अधिवेशन का भव्य उद्घाटन 8 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाहक डॉक्टर मनमोहन वैद उपस्थित रहेंगे। अधिवेशन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता आरोग्य भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश पंडित करेंगे। आरोग्य भारती के पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के
सह संयोजक डॉक्टर संग्राम सिंह ने बताया कि आरोग्य भारती स्वास्थ्य के क्षेत्र में अखिल भारतीय स्तर पर काम करने वाला सेवा संगठन है। प्रतिवर्ष संपूर्ण देश के सभी प्रांतों की कार्यकारिणी के सभी कार्यकर्ता अखिल भारतीय प्रतिनिधि मंडल बैठक में शामिल होते हैं। अधिवेशन में विगत वर्षों में संपन्न कार्य की जानकारी, संगठन के वर्तमान कार्यों की समीक्षा और आगामी वर्ष में किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि आरोग्य भारती का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन इस बार उत्तर प्रदेश में है और इसी के साथ आपको बता दें कि 8 अक्टूबर से राजधानी लखनऊ केसीटी मॉन्टेसरी स्कूल इसका आगाज करेगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से जितेन चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेन, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, लखनऊ में आरोग्य भारती का राष्ट्रीय अधिवेशन अब शुरू होने वाला है जिसका शुभारंभ सीएम योगी और मनसुख मंडाविया करेंगे, एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। तो ये कहीं ना कहीं ये अधिवेशन शुरू होगा और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और मनसुख मंडाविया इसका कहीं ना कहीं शुभारंभ करने का काम करेंगे और लगभग 700 प्रतिनिधि होंगे जो इस अधिवेशन में शामिल होंगे। और कहीं ना कहीं बात की जाए तो लखनऊ में एलडीए जो कॉलोनी में सीएमएस स्कूल बना है उसमें कहीं ना कहीं शुभारंभ होगा और 2 दिवसीय आरोग्य भारती अधिवेशन शुरू किया जाएगा और इसमें इस बार उत्तर प्रदेश में ये होने जा रहा है। और इससे पहले बात की जाए तो 8 अक्टूबर के राजधानी लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में ये शुरू होगा और अधिवेशन में देश से विभिन्न प्रांतों के करीब लगभग 700 प्रतिनिधि हैं वो इसमें कहीं ना कहीं शामिल होंगे। और आरोग्य भारती प्रांत के प्रांतीय सचिव है इंद्रेश कुमार ने भी इसमें शामिल होंगे और भव्य कहा सकता है कि अधिवेशन की शुरुआत होगी। और इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहेंगे, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सह कार्यवाहक हैं मनमोहन बैद वो भी उपस्थित रहेंगे। और कहीं ना कहीं भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कहीं ना कहीं राकेश पांडे ये भी मौजूद रहेंगे। और एजेंडे की बात की जाए तो आरोग्य भारती के पूर्व उत्तर प्रदेश क्षेत्र में सह संयोजक संग्राम सिंह ने ये बात की थी कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अखिल भारतीय स्तर पर कहीं ना कहीं काम करने वाला सेवा संगठन है और प्रतिवर्ष संपूर्ण देश के सभी प्रांतों में कार्यकारिणी जो कार्यकर्ता है वो इसमें प्रतिमंडल के रूप में शामिल होंगे और अधिवेशन में विगत वर्षों में संपन्न कराई जाएंगी और संगठन के वर्तमान कार्यों की समीक्षा आगामी वर्ष में किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की जाएगी। क्यों एक साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बड़ा अधिवेशन है जो कि अब इस बार उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया इसमें मौजूद रहेंगे। आरोग्य भारती अवध प्रांत के प्रांतीय सचिव ने भी इसे लेकर जानकारी दी है, एक बार उनकी जानकारी को ले हुए उन्होंने क्या क्या जानकारी दी है इसे लेकर भी पूरे अपडेट। देखिए तमाम पदाधिकारी हैं, उन तमाम पदाधिकारियों ने अलग अलग जानकारी दी है। तो बात की जाए तो उसमें प्रांतीय सचिव है इंद्रेश कुमार, उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर की इसकी शुरुआत होगी और सीएम योगी आदित्यनाथ और मनसुख मंडाविया इसकी शुरुआत करेंगे और इसमें स्वयं सेवक संघ के कार्यवाहक भी इसमें मौजूद रहेंगे। और बात की जाए तो जो इनके सह संयोजक हैं संग्राम सिंह, उन्होंने ये बताया कि प्रतिवर्ष संपूर्ण देश में प्रांतों की कार्यकारिणी में ये कार्यकर्ता जो अखिल भारतीय प्रतिमंडल है उस बैठक करता है और शामिल होता है। अधिवेशन में विगत वर्षों में जो काम किए गए हैं उन कामों पर चर्चा की जाएगी और संगठन के वर्तमान जो कार्य चल रहे हैं उन पर समीक्षा की जाएगी। एक बड़ा अधिवेशन है इसका, इस बार शुभारंभ उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है और 8 अक्टूबर की शुरुआत होगी। चलिए जितेन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब विधानसभा ने सोमवार के सत्र के दौरान सर्वसहमति से राज्य सरकार के हक में विश्वास प्रस्ताव पास कर दिया है। सदन में बहस को समेटते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में लोगों के विश्वास की जीत हुई है और लोगों द्वारा दिए गए जनादेश को खरीदने की भद्दी चालें चलने वाले ताकतों को मुंहतोड़ जवाब मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव ये बताने के लिए लाया गया था कि राज्य सरकार में लोगों का पूर्ण विश्वास है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव के पास होने से ये साबित हो गया है कि देश के लोकतंत्र को पैसे या धौंस से खरीदा नहीं जा सकता। भगवंत मान ने आगे कहा कि इस ऐतिहासिक जनादेश से राज्य सरकार पंजाब की पुरातन सियान को बहाल करने के लिए और अधिक तनदेही से प्रयास कर रही है। देश में लोकतंत्र को
का जो है कत्ल करने की बनाई जा रही साजिशों पर गहरी चिंता प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उन्होंने आगे कहा, लोगों ने हमेशा लोकतांत्रिक कदरों कीमतों को कायम रखा है, परंतु अब कांग्रेस और भाजपा पिछले दरवाजे के द्वारा सत्ता हत्या कर लोकतांत्रिक नैतिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवंत मान ने कहा कि रईसों और ताकतवर लोगों ने लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बात करें, सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में विधानसभा द्वारा राज्य सरकार के समर्थन में सर्वसहमति से विश्वास जो प्रस्ताव है वो पास हो गया है, एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। सेशन को बुलाने को लेकर हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी या अगर हम कहें पंजाब सरकार को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पहले अगर हम कह सकते हैं कि 22 तारीख को एक विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया जाना था, पर उसको लेकर सहमति नहीं बनी। तो पहले जहां पे पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने इजाजत दे दी थी, तो बाद में उसे वापस ले लिया गया, ये कहकर कि इसकी इजाजत हमारा संविधान नहीं देता है। जिसके बाद एक सिंपल सेशन या फिर हमें नॉर्मल सेशन की एक दिन की इजाजत मांगी, जिसमें पंजाब के पराली और पंजाब के अहम मुद्दों के ऊपर बात होनी थी, जिसको लेकर परमिशन मिल गई। उसके बाद जब सेशन स्टार्ट हुआ तो पहले सेशन के पहले दिन की कमेटी की बैठक बुलाकर उसमें डिस्कशन हुआ और उसमें कुछ नए मुद्दों में से एक पंजाब सरकार के कॉन्फ्रेंस मोशन की ओर लेकर सहमति बनी। और फाइनली हम कह सकते हैं कि विधानसभा के आखिरी दिन इसके ऊपर वोटिंग हुई और वोटिंग में आप देख सकते हैं क्लियर कट कि सभी ने पंजाब सरकार के फर्स्ट फेवर में, क्योंकि माननीय माननीय विधायकों ने उनके फेवर में ही वोट किया है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि पंजाब सरकार खुद को ही कंसोलिडेट करके दिखा रही है। पंजाब सरकार ये दिखा रही है कि अभी भी उनके सभी विधायक उनके साथ है और जिस बात को जिक्र करते हैं कि ऑपरेशन लोटस का उनके ऊपर कोई नेगेटिव असर नहीं हुआ। तो इसके अलावा उन्हें यहाँ पर विरोधी को जरूर देखते नजर आए और ये चीज कहते हुए नजर आए कि जो आखिरी दिन भले हमने ऑपरेशन लोटस के असर पर बाकी के दो दिन से जिन अलग अलग दिनों में अगर मार्च सेशन चला उससे लोग पंजाब के लोगों की सीटों की बात हो रही थी, उसमें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पंजाब के जो विरोधी पार्टी वो खड़े नहीं उतरे, उन्होंने उस पर बात की और सिर्फ और सिर्फ विरोध करते हुए नजर आए। जी चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि हिमाचल में शिमला के मशहूर समाजसेवी सरबजीत सिंह बॉबी के लंगर को देखने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शिमला आएंगे और इसी हफ्ते दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आने का कार्यक्रम तय होगा। समाजसेवी सरबजीत सिंह बॉबी ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शिमला आने का कार्यक्रम बनाया है, वो हमारे लंगर को देखने के लिए IGMC के कैंसर अस्पताल भी जाएंगे और इस बारे में उनसे बात हुई और वो जल्द ही अपना कार्यक्रम तय करेंगे। शिमला के IGMC और KNH अस्पताल में लंगर चलाने के अलावा लोअर बाजार में जूते चप्पलों की छोटी सी दुकान चलाने वाले सरबजीत सिंह 2002 से शव वाहन चलाने का काम कर रहे हैं और आपको बता दें उन्होंने अभी तक 5,500 लोगों को उनकी अंतिम मंजिल तक पहुंचाया है। इसमें से अधिकांश हैं बदनसीब गरीब जो शिमला कैंसर अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गए। सरबजीत सिंह बीते कई सालों से उसी अस्पताल में मुफ्त कैंटीन और सामने मुफ्त लंगर चलाने का काम कर रहे हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ हिमाचल से टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीना जी, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब इसी हफ्ते में कभी भी शिमला पहुंच सकते हैं, एक बार से लेकर पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, जो समाज सेवी सरबजीत सिंह बॉबी है उनका जो लंगर सेवा है उसको देखने के लिए जो अरविंद केजरीवाल है वो शिमला आ रहे हैं। तो ऐसे में जो सरबजीत सिंह बॉबी है उन्होंने सबसे पहले जो IGMC शिमला है वहाँ पे जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनके लिए लंगर की व्यवस्था की थी। तो वही जो लंगर की सेवा थी वो काफी लंबे समय से उन्होंने शुरू की थी और स्कूलों में भी जो बच्चे हैं उनसे भी वो ये जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए रोटी जो एकत्र करते थे और कैंसर पेशेंट्स को देते थे। तो ऐसे में सबसे पहले लंगर व्यवस्था कैंसर पेशेंट्स के लिए चलाने वाले सरबजीत सिंह बॉबी थे। उसके अलावा शवों को मोक्षधाम तक ले जाना और उसके अलावा विभिन्न समाज सेवा करना सरबजीत सिंह बॉबी ने की है। तो ऐसे में जो समाज सेवी जो सरबजीत सिंह बॉबी है उनको उनसे मिलने उनका जो लंगर सेवा है उसको स्पेशली देखने के लिए जो अरविंद केजरीवाल है वो शिमला आएंगे। टीना जी, वही बात कर रहे हैं, क्या केवल लंगर सेवा देखने के लिए ही वो यहाँ पहुंच रहे हैं या इसके पीछे चुनाव को लेकर भी कुछ चीजें हैं?
जी बिल्कुल, क्योंकि चुनाव है, ऐसे में क्योंकि शिमला अभी तक अरविंद केजरीवाल का दौरा जो हिमाचल का वो अभी तक नहीं हुआ है, तो ऐसे में जो विधानसभा चुनाव उसको लेकर भी ये दौरा जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ समाज सिर्फ लंगर व्यवस्था देखने के लिए नहीं आएंगे, उसके अलावा कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, हो सकता है उसके बाद वो कोई महत्वपूर्ण बैठक भी यहाँ पे ले। हालांकि अभी आप आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तरह से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि वो यहाँ पे क्या करेंगे, लेकिन माना यही जा रहा है कि केवल दंगल व्यवस्था देखने के लिए नहीं, उसके अलावा भी वो महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और हो सकता है कोई बड़ी राजनीतिक जो घटनाक्रम है वो उनके आने पर यहाँ पर हो। जिस तरीके से टीना जी सरबजीत सिंह बॉबी के लंगर को देखने के लिए सीएम यहाँ पर आ रहे हैं, तो इस पर सरबजीत सिंह बॉबी का क्या कुछ कहना है? जी देखिए, क्योंकि सरबजीत सिंह बॉबी काफी टाइम से खुद को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो लंगर व्यवस्था वो चलाते थे वहां पे बिजली और पानी की व्यवस्था काट दी गई थी, तो ऐसे पिछले दिन उन्होंने आवाज उठाई थी और कहा था कि वो काफी लंबे समय से पेशेंट्स के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए, उसके अलावा जो मजबूर और जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए लंगर व्यवस्था चला रहे हैं, और कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया था। तो ऐसे में सरबजीत सिंह बॉबी काफी खुश हैं कि उनके काम को किसी ने तो सराहा, हिमाचल सरकार ने नहीं लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उनकी लंगर व्यवस्था या उनकी समाज सेवा को सराहा है, और उसको देखने के लिए वो व्यवस्था देखने के लिए वो शिमला आ रहे हैं। तो ऐसे में सरबजीत सिंह बॉबी ने कहा है कि उनका काम सिर्फ समाज सेवा करना है, लेकिन वो चाहते थे कि सरकार की तरफ से उनको कुछ सहायता मिलती या जो वो काम कर रहे थे उसको लेकर उनकी सराहना होती, लेकिन उल्टा उनके जो लंगर व्यवस्था है जहाँ पे वो लंगर चलाते हैं वहाँ पे कुछ अड़चनों के कारण उनकी जो पानी और बिजली की व्यवस्था थी वो काट दी गई थी। तो ऐसे में सरबजीत सिंह बॉबी जरूर अभी इस उस पर है कि हिमाचल सरकार ना सही लेकिन दिल्ली सरकार ने उनकी जो है सेवा को सराहा है। जी और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में फिर से तबादला हुआ है। आपको बता दें कि 3 जिलों के एसपी समेत 6 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है, और गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में गरियाबंद, बेमित्रा और जीपीएम के एसपी बदले गए हैं, और माना बटालियन में पदस्थ 2009 बैच के आईपीएस अमित तुकाराम कामले को गरियाबंद जिले का नया एसपी बनाया गया है। वहीं 2015 बैच के आईपीएस उदय किरण को जीपीएस का मुख्य पुलिस अधीक्षक बनाया गया है, जबकि बेमित्रा के एसपी धर्मेंद्र सिंह छवई को एसपी रायपुर बनाया गया है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में एक बार फिर तबादला देखने को मिला है, और इसी के साथ आपको तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रायपुर से अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में एक बार फिर से तबादला हुआ है, एक बार इस तबादले को लेकर पूरी जानकारी। देखिए, जिस तरीके से तबादला किया जा रहा है, लगातार आईएएस आईपीएस लोगों की जो तबादला सूची जारी की गई है वो कहीं ना कहीं चुनावी मोड को भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पेंड्रा गौरेला मरवाही की बात किया जाए, गरियाबंद की बात किया जाए या फिर बेमेतरा की बात किया जाए, ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा निर्णायक फैसला लिया गया है, और यहाँ की जो वस्तु स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए ही इस फैसला को लिया गया है। निश्चित तौर पे जो तबादला सूची जारी किया गया है उसमें विवादित जो रहे आईपीएस हैं उदय किरण, उसको पेंड्रा गौरेला मरवाही दिया गया है। जो अगर उदय किरण की बात किया जाए तो लगभग वो महासमुंद जो विधायक रहे हैं विमल चोपड़ा, उसके ऊपर हमलावर किए थे, उनके ऊपर जब मारपीट की घटना हुई थी उसको लाइन अटैच कर दिया गया था, और कोर्ट के आदेश के बाद ही उनको एक अटैच लाइन कर दिया गया था और उनको किसी भी स्थान में पद स्थापना देने से भी मना कर दिया गया था। लेकिन यहाँ जिस तरीके से आईपीएसओ की जो तबादला हुई है वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है, और निश्चित तौर पर आने वाले कल में ये भरोसा अगर राज्य सरकार को मिलती है कि कानून व्यवस्था किस तरीके से बनाया जाता है तो निश्चित तौर पर इन लोगों के ऊपर एक अलग से लागू करके इनको और पुनः स्थापना बड़े स्थान में भेजा जा सकता है। जी अखिलेश, कितने एसपी और कितने आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, और इन अधिकारियों के कहां कहां पर तबादले हुए हैं, एक बार से लेकर भी पूरी जानकारी। देखिए, 6 आईपीएस के तबादला किया गया है और 11 जो राज्य सेवा पुलिस से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनका तबादला किया गया है। अगर आईपीएस की बात की जाए तो यहाँ धर्मेंद्र सिंह जो बेमेतरा से रेलवे डिवीजन में कर दिया गया है,
उदय किरण जो विवादित आईपीएस है उनको पिंडर गौरीला मरवाही तबादला कर दिया गया है। इसके अलावा सूरज सिंह परिहार जो परिसहाय रहे हैं राज्यपाल के, उनको चौथी बटालियन माना कैंप भेज दिया गया है। इसके अलावा उदय किरण जो है उसको पिंडर गौरीला मरवाही दिया ही गया है। साथ ही साथ कई ऐसे और आईपीएस है जो तुकाराम जी है उनको भी भेज दिया गया है। तो ऐसे बड़े आईपीएस है जिनके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है। इसके अलावा राज्य पुलिस सेवा की अगर बात की जाए तो संजय ध्रुव को रायगढ़ जाने के लिए निर्देश किया गया था, लेकिन कल की सूची देखने को मिला है कि जिसमें दुर्ग जिले की जो कमान है और दुर्ग जिले में जिस तरीके से हत्या का जो मामला सामने आया है, कल ही एएनबी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था कि अपने दर्शकों को किस तरीके से दुर्ग जिले की जो कमान है वो गलत साबित होती जा रहा है और वहां की हत्या जो है वो रुकते नहीं जा रहा है, इसको लेकर के प्रमुख खबर दिखाई थी। उसके बाद से भी संजय ध्रुव के जो तबादला होना था वो नहीं होकर के स्थायी रूप से वहां जारी कर दिया गया है, क्योंकि केस उसके ही हैंड में है और हैंड होने की वजह से ही ये संलिप्तता बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं केस सॉल्व करने के लिए अहम भूमिका निभाने जो कार्य है वो संजय ध्रुव के ऊपर डाली गई है। तो निश्चित तौर पे ये बड़ा फैसला लिया गया है राज्य सरकार के द्वारा और आईपीएस लोगों की जो तबादला है, और इसमें कई ऐसे कड़ी है जो जुड़ते जा रहे हैं और आने वाले कल में इनकी जो कार्यशैली है उसको भी प्रदर्शित किया जा सकता है। जी चलिए अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंकिता हत्याकांड के बाद से राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूबे के सभी जिलों में चल रहे रिजॉर्ट और होटलों की जानकारी मांगी है। वहीं सीएम ने अवैध रूप से चलने वाले होटलों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। और इस बीच नैनीताल जिले में भी प्रशासन की तरफ से होटल और रिजॉर्ट्स में ताबड़तोड़ अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान जिस भी होटल या रिजॉर्ट में अनियमितताएं पाई जा रही हैं उन सभी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बहरहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद नैनीताल जिले के प्रशासनिक टीम की तरफ से भवाली, नैनीताल, भीमताल, रामगढ़ समेत कई जगहों पर छापेमारी तेज कर दी गई है। लगभग 28 से भी ज्यादा होटलों पर कार्रवाई और करीब एक दर्जन होटलों के अवैध संचालित कमरों को सील कर दिया गया है। नैनीताल के एसडीएम राहुल शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि तल्लीताल स्थित पायल होटल प्रबंधन की तरफ से वहां आने वाले लोगों की जानकारी रजिस्टर में लिखित तौर पर नहीं रखी गई है और इस वजह से पुलिस एक्ट के तहत होटल प्रबंधन पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा अतिथि होटल में भी कार्रवाई के दौरान कोई भी सटीक जानकारी टीम को नहीं दी जाने की वजह से कुछ कमरों को सील कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि अंकिता हत्याकांड के बाद से राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी रिजॉर्ट और होटलों की जानकारी मांगी है। वहीं सीएम ने अवैध रूप से चलने वाले होटलों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इस बीच नैनीताल में भी प्रशासन की तरफ से होटल और रिजॉर्ट्स में ताबड़तोड़ अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान जिस भी होटल या रिजॉर्ट में अनियमितताएं पाई जा रही हैं उन सभी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बहरहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद नैनीताल जिले की प्रशासनिक टीम की तरफ से भवाली, नैनीताल, भीमताल, रामगढ़ समेत कई जगहों पर छापेमारी तेज कर दी गई है। लगभग 28 से ज्यादा होटलों पर कार्रवाई और करीब एक दर्जन होटल में के अवैध संचालित कमरे सील कर दिए गए हैं। नैनीताल के एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि तल्लीताल स्थित पायल होटल प्रबंधन की तरफ से वहां आने वाले लोगों की जानकारी रजिस्टर में लिखित तौर पर नहीं रखी गई थी, इस वजह से पुलिस एक्ट के तहत होटल प्रबंधन पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा अतिथि होटल में भी कार्रवाई के दौरान कोई भी सटीक जानकारी टीम को नहीं दिए जाने की वजह से कुछ कमरों को सील कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद से ही राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी रिसॉर्ट्स और होटलों की जानकारी मांगी है। आपको बता दें कि सीएम ने अवैध रूप से चलने वाले रिसॉर्ट और होटलों की जानकारी मांगी है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बात कर ले अंकिता हत्याकांड के बाद से राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी होटल और रिसॉर्ट्स की जानकारी मांगी है, एक बार इसे लेकर पूरी अपडेट। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री के आदेश के बाद
राज्य के सभी 13 जिलों में यहाँ पर होटल और रिसोर्ट में लगातार छापेमारी का दौर बेहद तेजी से यहाँ पर जारी है। उसको लेकर के लगातार यहाँ पर कार्रवाई भी की जा रही है। गढ़वाल के साथ साथ कुमाऊं के सभी यहाँ पर जो 6 जिले हैं वहाँ पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और नैनीताल जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर लगातार जो जिला प्रशासन की टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है। उसी के तहत यहाँ पर जो जिन जिन होटल और रिसोर्ट में अनियमितताएं पाई जा रही हैं उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और करीब नैनीताल जिले की अगर बात करें तो 28 से ज्यादा होटल ऐसे हैं जिन पर लगातार यहाँ पर जो अनियमितताएं पाई गई उसके बाद यहाँ पर उनका कार्रवाई की गई। और करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा होटल ऐसे हैं जो अवैध रूप से संचालित किए जा रहे थे, उनके कमरे तक सील कर दिए गए हैं। और यहाँ अगर बात करें तो नैनीताल के जो यहाँ पर SDM है राहुल साहू, उनकी तरफ से बताया गया है कि तलीताल एक होटल जो इसका नाम पायल होटल है उसके यहाँ पर जो लोग आने जाने वाले लोग थे उनकी यहाँ पर जानकारी नहीं जुटाई जा रही थी, उसको लेकर उस पर कार्रवाई की गई है। और पूरी तरीके से प्रशासन लगातार तैयारियां यहाँ पर नजरें बनाए हुआ है ऐसे होटलों पर जो लगातार अवैध रूप से संचालित किए जा रहे थे, उसको लेकर के यहाँ पर कार्रवाई की लगातार बात की जा रही है। और ये सर्च अभियान, ये यहाँ पर जो कार्रवाई है लगातार आगे भी इसे रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार इस मामले में यहाँ पर जानकारी मांगी जा रही है। और उसको लेकर के पूरे उत्तराखंड की बात करें, कुमाऊं की बात करें, गढ़वाल की बात करें, यहाँ पर लगातार छापेमारी का दौर जारी है। और ऐसे अवैध और यहाँ पर होटल जो अवैध रूप से संचालित होते हैं उन पर कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई यहाँ पर लगातार की जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार देर शाम को जम्मू कश्मीर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंच चुके हैं। जम्मू के सतवारी स्थित टेक्निकल एयरपोर्ट पर देर शाम 7:55 के करीब अमित शाह पहुंचे। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया, जबकि प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस मौके पर मौजूद थे। वहां से उनका काफिला सीधे जम्मू के राजभवन के लिए रवाना हो गया। गृह मंत्री अमित शाह कल यानी 4 अक्टूबर को माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के उपरांत राजौरी में रैली को संबोधित करेंगे। इसके उपरांत अगले दिन बारामूला में 5 अक्टूबर रैली को संबोधित करने के उपरांत उसी दिन शाम को नई दिल्ली वापस लौट जाएंगे। गृहमंत्री के जम्मू कश्मीर के दौरे को लेकर प्रदेश के पहले से ही सियासत काफी गरमाई हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व विधायक कफील उर्फ रहमान ने अमित शाह की बारामूला रैली को कामयाब बनाने के लिए सभी लोगों से बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आह्वान किया है। और इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व नेता मुश्ताक बुखारी भी पहाड़ियों को ST का दर्जा दिए जाने पर भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जम्मू से रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, जिस तरीके से बात करें गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, कल वो जम्मू पहुंच चुके हैं, एक बार से लेकर पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और रात ही उन्होंने 3 प्रतिनिधिमंडल जो हैं उनसे मुलाकात की है, जो जिन्होंने कहा जाए तो पहाड़ी समुदाय के लोगों ने उनसे मुलाकात की और गुलदस्ता जो है भेंट किया है। वहीं गुजर बकरवाल प्रतिनिधिमंडल जो है वो भी उनसे मिला है और कहा जाए तो जो राजपूत सभा है उसने भी अमित शाह से मुलाकात की है। और ये भी कहा जा रहा है कि अमित शाह जो है अपने दौरे के दौरान 1900 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का तोहफा जो है वो दे सकते हैं। वहीं आज सुबह वो अभी कुछ देर बाद वो माता वैष्णो देवी के लिए निकल जाएंगे और वहां आज नवमी के दिन वहां पर माता रानी का आशीर्वाद लेने के बाद सीधा राजौरी जाएंगे और वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे और वहां पर ही पहाड़ी समुदाय जो है उसको अनुसूचित जाति का दर्जा जो है वो दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से NC से जो बुखारी हैं काफी सीनियर लीडर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने पार्टी का दामन इसी वजह से छोड़ दिया था कि उनको पहाड़ी हैं उन एसटी का दर्जा जो है वो नहीं दिया जा रहा था, माफी चाहूंगा अनुसूचित जाति का दर्जा जो है वो नहीं दिया जा रहा था। इसी से नाराज होकर उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है कई बार सांसद रहे हैं लेकिन उन्होंने कभी भी पहाड़ियों की आवाज जो है वो नहीं उठाई है और उन्हें उम्मीद थी कि भाजपा जो है वो इसको लेकर जो है उनकी बात सुनेगी और यही वजह है कि उन्होंने एसटी से अपना किनारा कर लिया। और आज वो राजौरी के अंदर भाजपा के जो
देश के जो गृह मंत्री है वहां पहुंच रहे हैं और उनके लिए बकायदा लोगों के आने का इंतजाम जो है उन्होंने किया है। और कहा जाए तो वहां पर जब अनाउंस होगा पहाड़ियों का अनुसूचित जाति का दर्जा, तो कहीं ना कहीं अमित शाह जो हैं आने वाले चुनावों में सेंध लगाने की कोशिश जो है जरूर करेंगे, क्योंकि से कहा जाए कि अगर चुनाव आते हैं तो जिस प्रकार से भाजपा जो है 50+ का नारा देकर चल रही है तो उसको बुनाने की जरूर जो है वो कोशिश की जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए मेरे साथ फिलहाल राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।